नमस्कार। पेट में बहुत सारी बीमारियां होती है जिसकी वजह से हमारा पेट परेशान रहता है, इसे ही पेट के रोग कहा जाता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो पेट की बीमारी से परेशान ना हो आज के समय में, तो आपका एक ही जवाब होगा कि जी आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पेट की बीमारी तंग नहीं करती। किसी ना किसी तरह से पेट की बीमारी से हर कोई परेशान है, और हमारे बुजुर्ग और बड़े अनुभवी डॉक्टरों का कहना है कि बहुत सारी बीमारियों का जन्म पेट से ही होता है। यदि हमारा पेट ठीक ना हो तो तरह तरह की बीमारियाँ हमें हो जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पेट की बीमारी को ठीक रख सकते हैं, और कैसे आप पेट की बीमारी से बच सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी पेट की बीमारी को जड़ से ख़त्म करके आप बिल्कुल निरोग हो सकते हैं। अब मैं आपको पेट के रोगों के लक्षण बताता हूँ। ज़्यादातर लोग हमें कहते हैं जी हमें यहाँ पे बहुत सारी जलन होती है, पेट हमेशा भारी रहता है, पेट में गैस बहुत बनती है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि जी पेट में हमें दर्द होता है, कुछ भी खाते हैं तब एकदम पेट में भारीपन दर्द होने लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ पे जलन होती है और खट्टी डकारें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जी हमारे आमाशय के अंदर सूजन और जख्म भी है। कुछ लोगों को आमाशय के अंदर कैंसर तक हो जाता है। कई लोगों को क्या होता है दोस्तों कि इतनी पुरानी पेट की बीमारी हो जाती है कि उल्टी के साथ उनको खून आने लग जाता है। मल जो आता है वो मल काले रंग का आता है। इसी तरह कई लोगों को भूख कम लगती है। भूख कम लगने से शरीर में वजन कम होता चला जाता है। वजन कम होता है तो उसके बाद देखोगे कि उनके शरीर में कमजोरी, थकावट, जरा सा काम करेंगे थकावट महसूस होती है। अब मैं आपको इसके कारण बताया तो सबसे पहला और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जी हम खाना चबा के नहीं खाते, खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, खाना खा के तुरंत बैठ जाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह हम नहीं करते पूरे दिन में, और हम खाना खाने के बाद चलते भी नहीं है पैदल। तो उसके कारण ज़्यादातर लोगों को ये पेट की समस्या तंग करती है, जबकि ज़्यादातर हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट जरूर पैदल चलना चाहिए। कई लोग बाजार का तला फला बहुत ज़्यादा खाते हैं, चटपटी मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण भी उनको पेट की बीमारियां तंग करती है। कई लोग खाना बड़ी जल्दी फास्ट फास्ट खाते हैं, और खाना खाते समय कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कुछ कुछ देखते रहते हैं, दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है। तो एक मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा हमारा कारण ये भी है कि जब हमारा दिमाग संतुलन में नहीं रहेगा, हमारा दिमाग कुछ और सोचेगा और हम खाना जरूर से ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे, चबा चबा के नहीं खाएंगे, तो उसके कारण भी पेट में तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। कई लोग मीट अंडा या मांस वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके कारण भी उनको पेट में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। पेट में देखिए नॉनवेज किसी भी तरह का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो वो आपको कब्ज़ करेगा ही करेगा, और कब्ज़ होएगी तो आपको पेट में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। कई लोग घी ज़्यादा खाते हैं, मक्खन मलाई ज़्यादा खाते हैं, पनीर ज़्यादा खाते हैं, और काम कुछ नहीं करते, बस बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, दिमागी काम करते, पूरे दिन में कोई किसी भी तरह का एक्सरसाइज नहीं करते। उसके कारण भी खाना तो हमने भारी खाया, मगर अगर वो नहीं पचेगा तो वो भी क्या करेगा, तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न करता है, जिससे पेट में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जिनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन ज़्यादा रहती है, उसके कारण भी उनको पेट की तरह तरह की बीमारियां तंग करती है, क्योंकि दिमाग जो है वो भी एक हेल्प करता है, खाना पचाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, मगर उसको हम किसी और ट्रैक पे लगा देंगे तो वो अपना काम कैसे करेगा, वो अपना काम नहीं करेगा तो हमें पेट की बीमारियां तंग करेगी करेगी। कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने की वजह से, कई लोगों को चाय कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से, और कई लोग तंबाकू या बीड़ी सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, या कई लोगों को शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, आज के टाइम में कहते हैं कोई भी फंक्शन बिना शराब के बनता नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ये तो बहुत गलत है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बिना शराब के ही अपना फंक्शन पूरा करते हैं, और उनको क्या होता है कि कोई भी त्यौहार वगैरह में, खुशी वगैरह में वो कभी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते, और भगवान की कृपा से बड़े अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगा, अगर आप किसी तरह का नशा करते हैं तो आप बिल्कुल छोड़ दें। कई लोग चाय बहुत पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत लेते हैं, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू नशीले पदार्थ जो होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, दारू का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी पेट की तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि नशीले पदार्थ वगैरह का इस्तेमाल मत करें।
कई लोगों को पेन किलर ज़्यादा खाने की वजह से या ज़्यादा दिनों तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से या ज़्यादा दिनों तक स्टीरॉयड का इस्तेमाल करने से भी पेट की तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। कई लोगों को आमाशय में, लीवर पे या पित्त की थैली पे या मान लीजिए अग्नाशय पे, छोटी बड़ी आंतड़ियों में या मान लीजिए मूत्राशय में या गुर्दे में संक्रमण के कारण या सूजन के कारण भी पेट की बीमारियां तंग करती हैं। अब मैं आपको घरेलू उपचार बता देता हूँ जिससे आप पेट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा लेना है आपने, सौंठ का 1 इंच का टुकड़ा लेना है आपने, अजवाइन चौथाई चम्मच लेना है, जीरा चौथाई चम्मच लेना है, बड़ी इलायची 1 पीस लेनी है। इन सभी को एक बर्तन में डाल के अच्छे से कूट लें, फिर 1 कप पानी किसी बर्तन में डाल के उसमें ये सभी सामान डाल के अच्छे से उबलने दें। जब उबल उबल के पानी आधा कप बच जाएगा, उसे नीचे उतार के ठंडा होने पे छान के स्वाद अनुसार कुछ नमक, नमक में सेंधा नमक, या कुछ मीठा, मीठे में या तो आप देसी खांड मिला सकते हैं या शहद मिला सकते हैं, इनमें से कुछ भी मिला के सुबह शाम दिन में 2 बार खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करने से पेट की सभी तरह की बीमारियां बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती हैं। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में इसबगोल का छिलका आपने 100 ग्राम लेना है, सूखे आंवले आपने 100 ग्राम लेने हैं, सूखी बेलगिरी आपने 100 ग्राम लेनी है। इन सभी को अच्छे से अलग अलग पीस के पाउडर बना ले। जब पाउडर बन जाए सबको एक जगह मिक्स करके 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी से, सर्दियों में, गर्मियों में ठंडे पानी से या ताजे पानी से, बर्फ वाले पानी से नहीं, ताजे या ठंडे पानी से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेट की सभी तरह की बीमारियां बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। इसी तरह जो व्यक्ति पाउडर नहीं खा सकते कोई बात नहीं, उसके लिए मैं दूसरा तरीका बताया। तो इस पाउडर को क्या करना है, 1 चम्मच 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालना है। जब उबल उबल के पानी आधा कप बच जाए उसे नीचे उतार के उसमें स्वाद अनुसार मीठा मिला के, देसी खांड या शहद दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो मिला के आपने सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। आधे घंटे बाद करने से आपकी पेट की सभी तरह की बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये जड़ी बूटियाँ मिलेंगी कहाँ से, मैं ये भी बता देता हूँ। आप जहाँ रहते हैं वहीं आसपास में जो देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं, देसी दवाइयाँ रखते हैं, उनको पंसारी बोला जाता है, उनके पास आपको आसानी से मिल जाएगी। उनको आप बताओगे तो आपको आसानी से दे देंगे और इसका इस्तेमाल करके आप ठीक हो जाओगे। इसी तरह आपको रेडीमेड उपचार बताया जाता हूँ। रेडीमेड उपचार उनको बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव हो। रेडीमेड उपचार में कुमारी आसव आता है, वो किसी भी कंपनी का लेके 3 से 6 चम्मच सुबह, 3 से 6 चम्मच शाम को आधा कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करने से पेट की सभी तरह की बीमारियां बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। इसी तरह जो लोग पीने वाली दवाई पसंद नहीं करते हैं उनको मैं गोलियां बता देता हूँ। चित्रक आदि बटी आती है, चित्रक आदि बटी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी भी कंपनी की आप ले लें, आपको मिल जाएगी आसानी से। आप वो लेके 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से पेट की सभी तरह के रोग बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और ये कहाँ से मिलेंगी दवाइयाँ, जहाँ आप रहते हैं वहाँ देसी दवाइयाँ रखने वाले जो आयुर्वेदिक स्टोर होंगे उन पर आसानी से आपको मिल जाएगी। मैं नाम दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कई लोग परेशान होते हैं कि जी नाम समझ में नहीं आया। तो जो पीने वाली औषधि है उसका नाम है कुमारी आसव। नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुमारी आसव। इसी तरह जो गोली बताई है मैंने उसका नाम है चित्रक आदिवटी। चित्रक आदिवटी, ये दोनों में से कोई भी दवाई आपको जहाँ से भी मिले आप उसका इस्तेमाल करें। दोनों में से कोई, केवल आपने एक ही दवाई का इस्तेमाल करना है, दोनों दवाई का इस्तेमाल नहीं करना। इसका इस्तेमाल करने से पेट की सभी तरह के रोग आपके बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, हर वीडियो में मैं आपको 3 उपचार बताता हूँ, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार। तो इनमें से केवल आपने एक उपचार करना है, तीनों उपचार नहीं करने। जो आपको पसंद लगता है उपचार वो आप करिए और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाइए। अब मैं आपको परहेज बताया तो, क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती, तो सबसे पहला परहेज मैं आपको यही कहूंगा कि जरूरत से ज्यादा मात्रा में दवाइयों का इस्तेमाल मत करिए। स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक का ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल मत करें। इसी तरह जो नशीले पदार्थ है, तंबाकू हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गया, शराब का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये पेट को नुकसान करती हैं। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। चाय कॉफ़ी, कई लोग हमें कहते हैं कि
चाय कॉफ़ी के बिना तो हमें ताकत ही नहीं आती, ताकत नहीं आती, वो थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ाता है, मगर उससे 3 गुना 4 गुना वो नुकसान करता है अंदर। तो चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल मत करें। तेज मिर्च मसाले वाली चीज़ें ये जिसमें तरह तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है, आप इसका इस्तेमाल मत करें। तेज मिर्च मसाला जो होता है वो भी हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ज़्यादा एक ही तेल में तलते रहते हैं, उससे भी हमारा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ज़्यादा घी मक्खन मलाई का इस्तेमाल मत करें। तेज नमक का इस्तेमाल मत करें। हल्का नमक, सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है, आप सब्जी में उसी का इस्तेमाल करें। इसके बाद जो मीट अंडा वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको कहूँगा कि मीट अंडा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मत करें, क्योंकि ये कब्ज़ करती है और पेट में तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न करती है। इसी तरह मैं बोलूँगा जो टेंशन ज़्यादा रखते हैं भैया, टेंशन ज़्यादा ना रखें। ज़्यादा टेंशन रखने से पेट की बीमारियाँ होंगी, और आप हाँ पैसा तो बहुत कमा लेंगे टेंशन लेने से, मगर वो पैसा जाएगा कहाँ, डॉक्टरों के पास ही जाएगा। क्योंकि इसीलिए मैं कहूँगा अपने शरीर पर ध्यान दें, ताकि डॉक्टरों के पास पैसा ना जाए, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, आप भी बिल्कुल स्वस्थ रहें। ज़्यादा टेंशन लेने से हमारा पाचन तंत्र खराब होता है, और पाचन तंत्र खराब होगा तो पेट ऑटोमेटिकली आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसी तरह मैं कहूँगा खाना खा के एकदम सोना या बैठना मना है, कम से कम 10 मिनट आप ज़रूर पैदल चले, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक बात और बताना चाहूँगा, मैं कई लोगों को बोलता हूँ और वो बोलते भी हैं मुझे कि 3 गिलास 4 गिलास पानी एक साथ ही पी जाते हैं, तो मैं उनको कहूँगा ऐसा मत करें, इससे पाचन शक्ति खराब होती है। आप एक टाइम में 1 गिलास पानी ही आपके लिए बहुत है, फिर 2 घंटे का गैप करके फिर 1 गिलास पानी पिए। एक साथ अगर हम बहुत सारा पानी पी जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी पाचन अग्नि मंद हो जाती है, हमारे कई तरह के जो एंजाइम बनने होते हैं, कई तरह के रस बनने होते हैं, वो रस ठीक ढंग से नहीं बन पाते हैं, और हमारी पाचन शक्ति डे बाई डे खराब होने लग जाती है, और पेट में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। पानी पीना जरूरी है, पूरे दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए, मगर 2 घंटे में 1 गिलास, 2 घंटे में 1 गिलास। कई लोगों को तो देखता हूँ जो कमजोर होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जी आधा गिलास ही आप 1 घंटे में 1 बार पीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपका पेट शरीर सही है तो आप 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए, बार बार पानी मत पीजिए। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं ये बता देता हूँ, सुबह खाली पेट अंकुरित काले चने या अंकुरित मूंग खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खाली पेट फल फ्रूट खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खाली पेट सलाद का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। दिन में कम से कम 1 घंटा पैदल चलना या कोई एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किसी भी तरह का, आपको योगा पसंद है आप योगा करो, आपको एक्सरसाइज पसंद है एक्सरसाइज करो, हैवी वेट उठाना पसंद है जो भी, जिसकी जॉगिंग करना पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो आप कम से कम अपने शरीर को पूरे दिन में 1 घंटा ज़रूर दो, ताकि आप पूरी उम्र बिल्कुल स्वस्थ रह सको। खाना धीरे धीरे खाएं और चबा चबा के खाएं, इसलिए पहले ही रोटी के कई टुकड़े कर ले और एक टुकड़ा लिया चबाया अच्छे से एक बार। कई बार मेरे को भी कई लोग कहते हैं जी आप रोटी के पहले ही टुकड़े करके रख लेते हो, मैंने कहा जी अगर मान लीजिए मेरा ध्यान भटक भी जाता है तो जाएगा तो एक ही टुकड़ा और एक ही टुकड़े को, और कहते जी आप बहुत देर तक चबाते रहते हो, कभी इधर करते हो कभी इधर करते हो, ठीक है अच्छा है, खाना खाने के लिए तो कमाते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने शरीर की तरफ ध्यान दें और रोटी बड़े आराम आराम से चबा चबा के खाएँ, ताकि उसमें सभी तरह के रस मिले, और सभी तरह का रस मिलने से उसका पूरा पाचन हो सके और आपके शरीर को लग सके और पेट की बीमारियां ना बनाएं। इसी तरह खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जरूर पैदल चले, ताकि खाना पच सके। दिन में सोना मना है, दिन में मत सोया करें, खाना खा के सोना गलत माना जाता है। कई लोगों की मैं देखता हूँ पाचन अग्नि कमज़ोर है, तो उनको हम कहते हैं कि जी आप 3 बारी में जितना खाना खाते हैं उतने ही खाने को आप 5 बारी में खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ताकि आपका क्या होगा पाचन अग्नि पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपकी पाचन अग्नि धीरे धीरे बहुत अच्छी होती चली जाएगी और आपकी पेट से संबंधित सभी बीमारियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं होता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।